टेस्ट से धोनी का संन्यास लेने के बाद टीम नियमित विकेट कीपर की कमी से जूझ रही है। बता दें कि विकेट कीपर की दौड़ में शीर्ष पर रिद्धिमान शाह टीम इंडिया के नियमित विकेट कीपर की दौड़ में शीर्ष पर आ गए थे, लेकिन वे कुछ खास कर नहीं पाए और जल्दी ही चोटों में उलझ गए। टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर फिलहाल दिनेश कार्तिक भारत के विकेट कीपर हैं, लेकिन बतौर बल्लेबाज वे भी खुद को साबित करने के लिए काफ़ी संघर्षरत भी हैं। इसी बीच रिद्धिमान साहा गुरुवार को मैनचेस्टर से कंधे की चोट की सर्जरी के बाद लौट आए हैं। साहा को उम्मीद है कि वे दिसंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे तक फिट हो जाएंगे। साहा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मैं अपने हाथ 3 सप्ताह तक घुमा नहीं पाऊँगा, यह आसान नहीं है। आप हाथ हिला नहीं सकते और उसे सिर्फ एक जगह पर ही रखना है। यह तेज गेंदबाजों का सामना करने से भी बुरा है, लेकिन आगे जाने और वापसी करने का यही एक रास्ता है। बता दें कि साहा के दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे पट्टी बंधी हुई थी। उनकी मैनचेस्टर के आर्म क्लिनिक में सर्जरी हुई है। कुछ सप्ताह बाद साहा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में स्वास्थ्य लाभ से भी गुजरेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दौरान साहा के अंगूठे में चोट लग गई थी, इसी वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए थे। साहा ने ट्वीट कर भी अपने वापसी की जानकारी दी है और सभी को खास तौर पर BCCI का आभार भी व्यक्त किया। इसके बाद साहा को कंधे में चोट लगी, जिसके कारण वह इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सीरीज की शुरुआत 6 दिसंबर से हो रही है, ऐसे में साहा की वापसी की संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई दौरे में अभी काफ़ी समय बाकी है और देखते हैं कि उस समय तक क्या होगा। Next9 Sports Desk की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।